नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर पेट्रोल पंप कर्मचारी के काले कारनामों का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पंप से पेट्रोल देते समय कई ग्राहकों के साथ ठगी की है। ग्राहकों ने शक होने पर बाइक से पेट्रोल निकलवा कर नाप करवाई, जिसके बाद ग्राहकों ने बताया कि 200 रुपए का पेट्रोल डलवाने के बाद बाइक में 1 ही लीटर पेट्रोल निकला। बता दे, पूरा मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के कस्बा अकबरपुर मैकूलाल एंड संस पेट्रोल पंप का है। मेरा नाम संजय यादव। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम बिलई का रहने वाला। आज कहाँ पर आए आप? आज मैं अकबरपुर आया था यहाँ पे पेट्रोल पंप। हाँ जी, पेट्रोल भराने। क्या मामला है? मामला ये था कि मैंने बोला कि 200 रुपए का पेट्रोल डालें जी। और ये 200 का ना डाल करके 100 का ही पेट्रोल डाल दिया। बोला हो गया। आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पेट्रोल दे दे, और मैं क्या चाह रहा हूँ तो पेट्रोल पंप, और ये दोबारा ऐसी गलतियाँ न करे। पेट्रोल पंप के खिलाफ कहीं कोई शिकायत की अभी आपने? अभी तो यहीं पे बात हो रही थी। बोले मैं अभी दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ नापा, तो उसमें भी कम निकला, बाकी तो बोल रहे कि ठीक है मैं दे रहा हूँ। पेट्रोल कर्मचारियों ने अपनी गलती मानी है? अभी हाँ, मानी आए थे, मानी उन्होंने कि मिस्टेक में हुआ है। पेट्रोल आपका नापा गया था? जी नापा गया। किसने नापा था? वो पेट्रोल कर्मचारियों ने। कौन सी बाइक है आपकी? मैं सिटी 100 है। कानपुर देहात से केकेडी न्यूज संवाददाता अंशु शुक्ला की रिपोर्ट। आगरा में विद्युत चोरी बिल बकायेदारों की चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। कनेक्शन काटने को लेकर आक्रोशित दबंगों ने टीम के साथ गाली गलौज की और जमकर लात घूंसे और डंडों से मारपीट की। विद्युत कर्मियों ने भागकर जान बचाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दे, पूरा मामला आगरा के बाह ब्लॉक के क्षेत्र के अंतर्गत राजापुर का है। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राम सेवक की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।